हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कार्टोग्राफी के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी, मानचित्र कला या मानचित्र कला विज्ञान जो है उसके बारे में देखेंगे, उसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे और इंडिया में कब से चालू हुआ था, कैसे उसका डेवलप हुआ और इंडिया में जो टोपोग्राफी का सीट होता है वह कितने टाइप के टोपोग्राफिकल सीट होते हैं और कहाँ से मानचित्र का प्रकाशन इंडिया में किया जाता है, पुणे या जो देहरादून है वहाँ से, तो सभी का डिटेल इसमें आपको मिलेगा। यह मानचित्र कला से रिलेटेड पहला वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें तो नेक्स्ट वीडियो इस पर बनेगा और वो काफ़ी डिटेल रहेगा। ये तो अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में है। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नए व्यूवर हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो ये यूनानी काल में विकास हुआ था वो उसके बारे में है कि यूनानी काल में जो प्रमुख भूगोलवेत्ता रहे हैं उन्होंने क्या किया था इसमें। तो मानचित्र कला में यूनानी काल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी काल में ही मानचित्र कला का विकास प्रारंभ हुआ था जिसमें अनैक्सिमेंडर महोदय थे। उनका जो टाइम पीरियड है वो 610 बीसी से 546 बीसी है। यह पहले व्यक्ति थे जिसने विश्व मानचित्र को बनाया था। यह मानचित्र 500 बीसी के समय का है। इसमें एटलस पर्वत, नील पर्वत, फरात नदी, एशिया, लीबिया, यूरोप, सिंधु नदी, तो इनको दर्शाया गया था। तो ये देख लिया यहाँ पे कितनी नदियाँ हैं, नील नदी, फरात और सिंधु नदी को दर्शाया गया है। एशिया, लीबिया और यूरोप तीन महाद्वीप इसने बताए थे और इसमें पर्वतों में एटलस पर्वत को इन्होंने अपने मानचित्र में दर्शाया था। नेक्स्ट में जो यूनानी हैं वो हेरोडोट हिकैटियस हैं। इनका टाइम पीरियड 520 बीसी है। इन्होंने पृथ्वी को तस्तरी की भांति माना था और तस्तरी की भांति वृत्ताकार इन्होंने माना। एक विश्व मानचित्र इन्होंने बनाया था। इसमें पहली बार विश्व को तीन खंड, एशिया, लीबिया और यूरोप में इन्होंने बांटा था। हेरोडोटस की बात करें तो ये तीसरे भूगोलवेत्ता हैं जो कार्टोग्राफी से संबंधित है। ये 484 बीसी से 424 बीसी के बीच इनका टाइम पीरियड रहा है। इनके मानचित्र में संपूर्ण पृथ्वी की परिधि और सीमांत सागर, नदियाँ दर्शाए गए थे। पहला भूगोलवेत्ता जिसने कैस्पियन सागर को झील बताया था और पृथ्वी को गोलाकार इन्होंने बताया था। इन्होंने भी तीन महाद्वीप की संज्ञा दी, एक एशिया, लीबिया और यूरोप। नेक्स्ट है टॉलमी महोदय। टॉलमी महोदय ये 90 से 159 बीसी के बीच हैं। इन्होंने संसार मानचित्र बनाने की विधि को बताया था और इसने दो प्रक्षेपों का भी वर्णन किया था। तो इसके बाद हम प्रक्षेप के बारे में इसी में ही देख लेंगे इसी वीडियो में। यूनानी के बाद आते हैं रोमन भूगोलवेत्ता। रोमन में स्ट्रैबो हैं। स्ट्रैबो का जो टाइम पीरियड है वो 64 से 24 बीसी है। इनके मानचित्र में एक अक्षांश व एक देशांतर खींची गई थी। इसने भूमध्य सागरीय तटीय भागों व स्पेन को काफ़ी सटीक तरीके से इन्होंने दर्शाया है। उसके बाद मेडिवल जो हिस्ट्री रही है उसमें देखा जाए, मध्य काल के इतिहास में यानी कि अरबियन कंट्री के जो जियोग्राफर रहे उनके बारे में, तो ये अल इदरिसी महोदय हैं। ये अरबी हैं जो 1154 में मानचित्र इन्होंने बनाया था। यह मानचित्र आयताकार प्रक्षेप पर था और दक्षिणीय ध्रुव पर, ध्रुव व उत्तर, इसमें देखिए दक्षिणी दिशा जो है ये ऊपर की ओर दर्शाई गई थी और उत्तरी दिशा जो है नीचे की ओर दर्शाई गई थी। तो जो वर्तमान टाइम में इसका उल्टा है, ऊपर यहाँ पे नॉर्थ होता है, नीचे साउथ। तो इन्होंने, इदरिसी महोदय ने क्या किया कि अपने मानचित्र में दक्षिण को ऊपर और उत्तर को नीचे दर्शाया था। वे मानचित्र जो अब यहाँ पे देखिए इंच सीट की बात कर रहे हैं, अब ये हमने हिस्ट्री थोड़ा देख लिया। अब वे मानचित्र जो लगभग क्वार्टर इंच सीट के होते हैं या कि 1/4 इंच या 0.25 कह सकते हैं, तो इस एक जो 0.25 इंच या क्वार्टर इंच सीट होती है और इसे हम रेशियो में जब डिवाइड करते हैं तो 1:2
250,000 के आसपास, यानी कि लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है ये माना जाता है कि 1:250,000। और इससे जो बृहत मापनियाँ होती हैं उस पर बने होते हैं, जो ये क्वार्टर इंच सीट होता है, यह कितने मापनियों पे बने होते हैं, 1:250,000 या 1:250,000, 2,50,000, जो ये बृहत बड़ी मापनियाँ होती हैं वे स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। यानी कि जहाँ भी आपको मिल जाए 1:2 लगभग 1:250,000 मिल जाए या 2,50,000 मिल जाए, तो वहाँ पे पूछता है कि कौन सा छोटी है कौन सा बड़ी, तो यहाँ पे बड़ी जो मापनी होगी वो 2,50,000 की होगी। नेक्स्ट है वे मानचित्र जो 1 इंच सीट पर होते हैं, इन्हें 4 मील या 1:4 इंच सीट कहते हैं, अथवा यह भी 1:250,000 माना जाता है। तो यह निरूपक भिन्न से छोटी मापनी वाले होते हैं, इन्हें भौगोलिक मानचित्र भी कहा जाता है। तो जब ये रहेगा तो इसे इस तरह से बोला जाएगा। नेक्स्ट है गिरिडास मरकेप्टर, डच मानचित्रकार हैं ये। गिरिडास मरकेप्टर ये डच मानचित्रकार हैं। इन्होंने 1559 में विश्व मानचित्र बनाने के लिए मरकेप्टर प्रक्षेप की रचना की थी। इम्पोर्टेंट है ये, मरकेप्टर प्रक्षेप की रचना गिरिडास महोदय ने की थी, डच के हैं ये, 1569 में किया था इन्होंने। और मरकेप्टर ने विश्व को 3 बड़े भूखंड, यूरोप एशिया और अफ्रीका में डिवाइड किया। ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे से इन्होंने अलग बताया था। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर का आविष्कार। तो क्रोनोमीटर ये हैरिसन महोदय ने इसका आविष्कार किया, इससे देशांतर का मापन किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, क्रोनोमीटर से देशांतर का मापन किया जाता है। भारत में मानचित्र का जो विकास हुआ था, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में जो मानचित्र का विकास हुआ वह किस तरह से हुआ। तो भारत में जो मानचित्र का विकास हुआ था, ये रेनल के हिंदुस्तान का जो मानचित्र था उसी से माना जाता है। 1802 में लैम्बर्टन, जो भारत के सर्वेयर जनरल बने थे, इन्होंने त्रिभुजन पद्धति से सर्वेक्षण मद्रास में किया था। और लघु मापक के मानचित्र में विस्तृत क्षेत्र को समाहित किया जाता है, जैसे विश्व का महाद्वीप हो गया या विश्व हो गया, देश का वितरण हो गया। तो इस प्रकार के मानचित्र में लगभग 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर की रेंज में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे 1:100 का रहता है, ये लघु मापक हो गया। और जो बृहत मापक होते हैं उसमें जो है जिला हो गया, विकासखंड हो गया, नगर आदि को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी जो मापनी होती है वह लगभग 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर के आसपास होती है। अब हम देखेंगे मानचित्र जो प्रक्षेप होता है, तो ये क्या होता है कि मानचित्र प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो प्रक्षेप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें शुद्ध क्षेत्रफल या मालवीय प्रक्षेप जिसे कहा जाता है, मालवीय प्रक्षेप या किसी वस्तु के वितरण का प्रदर्शन, इसमें जैसे वर्षा का वितरण हो गया, वनस्पति हो गया, कृषि, जनसंख्या या पशु संपदा आदि के बारे में इसमें जो प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है आकार व आकृति या मार्ग प्रदर्शन, तो ये भी मरकेप्टर प्रक्षेप पे किया जाता है ये, या इसे कहते हैं आकृतिक प्रक्षेप के द्वारा। विश्व का एक पत्रक प्रदर्शन भी मरकेप्टर प्रक्षेप पे किया जाता है। नेक्स्ट है और ये दिशा ज्ञान परिवहन मार्गों या गोलार्धों का प्रदर्शन किससे किया जाता है, तो पृथ्वी की वास्तविक जो गोलार्ध स्थिति है उसे ध्रुवीय शिरोच्छेदीय प्रक्षेप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विश्व का गोलार्ध प्रदर्शन ध्रुवीय खमद्ध प्रक्षेप के द्वारा किया जाता है, और महाद्वीप का प्रदर्शन ये बोन प्रक्षेप के द्वारा किया जाता है। तो ये रहा है इम्पोर्टेंट वीडियो जो कार्टोग्राफी से रिलेटेड है। काफ़ी लोगों का जो रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो है ये कार्टोग्राफी पे एक आध वीडियो बनाइए, तो हमने ये बना दिया। ये पहला वीडियो रहा है कार्टोग्राफी का, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कमेंट करना मत भूलिएगा, आपका कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।